व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू डिपटेक ऑफिशियल। और दोस्तों, जैसा कि अभी आपने एक पबजी मोन्टाज वीडियो देखी होगी, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपने एक बहुत ही कमाल का इफेक्ट देखा होगा, ब्लिंक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जो स्टार्टिंग में मेरी जो वीडियो चल रही थी, वहाँ पे एक ब्लिंक इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही थी। ठीक है, सो सॉन्ग के हिसाब से बिल्कुल लग रही थी, ब्लिंक इफेक्ट बहुत ही सेट कर रही थी। अगर आप लोग भी उस तरह का ब्लिंक इफेक्ट अपने पबजी मोन्टाज वीडियो में देना चाहते हो कि कैसे देते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और अगर आपको वो वीडियो बनानी सीखनी है, मोन्टाज वीडियो, तो उस वीडियो की ट्यूटोरियल लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि हम काइनमास्टर एप्लीकेशन में है, और यहाँ पे आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी ये वाली इफेक्ट सीखने के लिए, या फिर कोई भी मोन्टाज बनाते हो उसके लिए मैं इसी एप्लीकेशन से बनाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 16:9 एस्पेक्ट में आ जानी है। जैसे दोस्तों आप यहाँ तक आ जाते हो, आपका काम बस इतना है कि आपने जो भी मोन्टाज वीडियो बनाया है या फिर बनाने का सोच रहे हो, उसमें आप चाहते हो कि हम अपना जो है ब्लिंक इफेक्ट डाले सॉन्ग के हिसाब से, तो आपको क्या कहनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी जो भी जहाँ पे भी डालनी है, जैसे कि मेरे पास आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ये रही हमारी मोन्टाज वीडियो। सो ये वाली जो हमारी मोन्टाज वीडियो है ना दोस्तों, यहाँ पे हम अभी इफेक्ट डालेंगे। पहले मैं यहाँ पे प्ले करके सुन लेता हूँ, ठीक है, खुद को। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने देखा, तो हमें देखना है कि हमें कहाँ से मोन्टाज डालनी है, वो वाली ब्लिंक इफेक्ट डालनी है मोन्टाज में। ठीक है, सो यहाँ पे हम प्ले कर लेते हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि डालनी चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड है दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगने वाली है, क्योंकि जो अभी मैं करूँगा ना, आप देख करके हंसोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मीडिया में आ जानी है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेनी है। ठीक है, आप हंसना मत दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ही ये हार्ड होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ तक आने के बाद आपको इसे जूम कर देना है फुल जूम तक, पर यहाँ पे याद रहे कि आप सॉन्ग को सुन लो कि आपकी जो सॉन्ग है ना वो कितनी है। पहले मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ कि कहाँ तक मुझे ये ब्लिंक इफेक्ट देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये सॉन्ग सुना, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ तक मुझे ब्लिंक इफेक्ट देना है, थोड़ा पीछे बस यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्लैक बैकग्राउंड को राइट कट कर देंगे। ठीक है, जैसे इतना कर देते हो, अरे भाई साहब, इसको पहले हम कर देंगे फुल जूम में, और यहाँ पे आपको ओवरले में आकर के दिखाते, सबसे हार्ड काम यही है दोस्तों। देखो यहाँ पे बस हो गया, ये रहा हमारा आज का सबसे हार्ड काम, बस इतना करना था आपको। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये ब्लिंक इफेक्ट देना सीख गए हो, और अपने सॉन्ग में आप सॉन्ग के हिसाब से इस तरह का कहीं भी आप लोग इसे सेट कर सकते हो, ब्लैक बैकग्राउंड को यूज़ करके अपने वीडियो में। ठीक है, सो उम्मीद करूँगा आपको आज की जो हमारी वीडियो है ना वो पसंद आई होगी। जी हाँ, सो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों यार थोड़ी बहुत अच्छी कमेंट्स कर दिया करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।